जल्दी 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 अंदर चलो। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आपको पता है चश्मा मेरे को क्यों लगा है? तो बस मेरा इसी ये पापा ने बोला है कि अगर तुम इसे पहनोगे, ज़्यादा मोबाइल देखोगे तो फिर अगर तुम इसे पहन के देखोगे तो फिर चश्मा पहन सो रहा का नहीं निकाल के हाँ तो मोबाइल देखते समय दिन भर नहीं। हाँ जब मैं मोबाइल देखूंगा ना तो मैं इसे पहनूंगा। एक मैं देखा पढ़ाई करते और ये जो जमा करके रखे हो ना आज इनको छटवाना है समझे? वो पढ़ाकू जो दिख रहे हो जो पढ़ते नहीं हो लेकिन। हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम लोग जा रहे हैं मेरा हेयर कट करवाने। इसके बाल देखो, एक मिनट। हाँ ये देखो, दो मैं आपको दिखाता हूँ। तीन चार मैंने हो गए रहेंगे कट करवाए, इतने लंबे हो गए मेरे बाल। तो आज हम आरव को एक न्यू हेयर कट देंगे। यस, पीछे हायाबुसा थी। हायाबुसा थी, जाने दो। ओके सो अब हो जाएगा तुम्हारे बाल की कटिंग। देखो जैसे साइड में मार दो और यहाँ पर थोड़ा सा रखे रहना, चलेगा? अरे यहाँ से भी वन कट, यहाँ से निकाल देंगे वो हो जाएगा अच्छे से। अरे सब जगह से फाइनली हो चुका है। बड़े कूल लग रहे हो। आपने तो करवाया मुझे। तो करवाना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही बढ़िया था मेरा। अब पापा का न्यू लुक देखना है। कैसा था आज का? और मेरा क्लीन लग रहा ना फेस? हां अच्छा है। हां 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 बाबा क्लीन लग रहा है। हां चमक रहा है। हां बिल्कुल, बहुत ज्यादा चमक रहा है। वर्थ है, वर्थ। सबसे ज्यादा खर्चा इसमें ही हुआ। मेरा तो अच्छा है। जाते हैं अब हम चाय पीने और बुक उठाकर सीधे बैठ जाओ। अब इसके बाद पढ़ाई भी करना है। मतलब आज पूरा दिन भटकते घूमते निकाले हो। क्या कर रहे?
व्हाट इज दिस? लॉकडाउन में बच्चों का यही हालत होता है। कितना ऊपर जा सकते हो? मैं तो ऊपर जा सकता हूं पकड़ने के लिए। उतर जाओ। जंपिंग जैक लगा के रखे, गिरेगा हाथ पैर टूट जाएंगे। आप ऐसे करते हो? हाँ, बंदरों वाली हरकत तुम ही कर सकते हो। क्या ये? अरे गद्दा गलत हो गया। चलो चलो फटाफट बुक कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद। बहुत टाइम पास हो गया आज पूरा। अभी तो कौन है मेरा प्लेमोड? बस एक घंटे तक मेरे को खेलने दो। ठीक है। आई नो इट्स बीन वेरी लॉन्ग, बहुत टाइम के बाद। ये आई थिंक ये मंथ का तो हम लोग ने ये फर्स्ट वीडियो ही डाला है, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ टाइट स्केड्यूल, स्कूल, कॉलेज, आरएफ के स्टडीज, घर के काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं, और उसमें अगर आप फ़ोन लेकर घूमते रहो तो पॉसिबल है नहीं। बट आई जस्ट ट्राई कि जब भी पॉसिबल टाइम हो, जब भी थोड़ा टाइम मिल जाए, तो ऑफकोर्स मैं ज़रूर पोस्ट किया करूँगी वीडियोस। कुछ फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे थे कि लाइक वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। सो इट्स लाइक यार थोड़ा स्केड्यूल टाइट होने की वजह से आई एम नॉट एबल टू मेक द वीडियोस। बट मेरे भी ना वीडियो बनाएगा बिल्कुल नहीं, मेरे को भी आने दो। अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि आरव ना थोड़े और बड़े हो जाए, फिर आरव ही पूरा ये ब्लॉग बनाया करेंगे, है ना, फ्री टाइम में। यस, बट यू नो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है जब आप ब्लॉग करते हो, और जब नहीं करते तो। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कनेक्टिविटी मतलब आप अपने व्यूअर्स के साथ में कनेक्ट होते हो, आपको अच्छा लगता है ना जब आप वीडियो बनाते हो, वो आपको वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मेरे को ना सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए। हाँ वही तो बात है यार, वीडियोस इतने डाल दिए हैं वीडियोस, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उतने नॉन सब्सक्राइबर भी हमारी वीडियोस देखते हैं। बट सब्सक्राइब क्यों नहीं कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो देखते हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अब आप क्या बोल रहे थे बोलो, मैं सुन रही हूं। हो गया आपका बोल के? हां हां, बस अब जल्दी जल्दी फटाफट बड़े हो जाओ। मैं एवरी डे बनाऊंगा। हाँ तो कौन मना कर रहा आपको कि ना बनाओ? तो अभी भी बोलती हो आप डेली बनाओ। इस घर में ना फर्स्ट एड हो गया हूँ, फर्स्ट एड। दिन भर ऑनलाइन लेक्चर, खाना खाओ उसके बाद सो जाओ, ये तीन चीजें मेरे लाइफ में। हाँ भाई इतना पड़ेगा कि जी नहीं पाएगा। तुम्हारा भाई इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो ना कुछ कर नहीं सकता। मैं इतना पढ़ाई करूंगा कि बोर्ड फाड़ दूंगा। मैं ना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि कोई दुनिया भर का बच्चा कोई नहीं हो सकता। हम इधर है, भगवान बचा लीजिए। अरे यार मैं स्टैंड नीचे गिर गया, क्या करूँ, इस लॉकडाउन में तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, बस घर पे बैठे रहो और छो जाओ, उसके बाद गबर गबर खाना ठूसो, और कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। देखा अभी अंदर झगड़ा हो गया था मेरा, तो अभी मैं क्या करूँगा आपको पता है, मैं एडिटेड हो रहा हूँ। मेरा मन करे किसी पे गुस्सा निकालूँ, खतरनाक इंसानों के। मैया मैं ना इस घर में इरिटेट हो गया हूँ। नीचे वाले घर में चले जाओ। मैं मेरे को ना कुछ ऐसा कर, मेरे को ना गुस्सा निकालने का बहुत मन। मामा किधर चले जाओ। तो मैं सोच रहा कि किसके ऊपर गुस्सा निकालू अभी। मैं निकाल दूँ आप मेरा मन कर रहा है ना गुस्सा।
निकालने का। और मेरा भी मन कर रहा है आपको गुस्सा निकालने का। करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। आ तुमको रोते हुए सब देखेंगे, कितना रोता है ये लड़का। शी एक काम करते हैं, आरव मैंने सुन ली आरव की सारी बातें, आरव बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, है ना। आरव एक्चुअली बोर हो चुके हैं, आरव को बहुत टाइम हो गया हम लोग बाहर नहीं निकाले। नहीं मैं आरव को अभी घूमने के लिए लेकर जाएंगे, चलो हम लोग नेक्स्ट वीक खेलो ना, हम लोग नेक्स्ट वीक मेरे साथ थोड़ा सा खेलो ना। खेलते थे हैं कितना खेलने का। अरे भैया ये कैसे खेले, अभी जो आप मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे एक बार, क्योंकि मैं फोन ले रही थी आप बार बार फोन छीन रहे थे लेकर भाग रहे थे गिर जाता था। एक बार मेरे से भागम भाग कर ओके ठीक है ओके। अब ये गेम हो गया है खत्म। अरे भैया एक और चीज सो मच ऑफ नॉइस, पापा कॉल पर है और हम मस्ती कर रहे हैं। ये तो अभी नहीं।